नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग बात कर रहे हैं एग्जेम्प्ट अलाउंसेस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में। वैसे तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए ये अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है, तो यहाँ हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये दो प्रकार के एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होता है। उनमें से जो पहला प्रकार है, ऐसे एम्प्लॉय जो या तो दिव्यांग है, वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, ऐसे कर्मचारियों को उनके घर से ड्यूटी के जगह तक जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, उनसे उन्हें एग्जेम्प्शन मिलता है। और ये जो एग्जेम्प्शन है 3,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है। तो ऐसे कर्मचारी जो या तो दिव्यांग है, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, ऐसे कर्मचारियों को मिलने वाला ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्प्ट होगा। और दूसरा जो प्रकार है, वो ऐसे कर्मचारियों का है जो किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नौकरी करते हैं। किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, उसके लिए जो पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, उसके लिए ये अलाउंसेस दिया जाता है। यह एक कंडीशन है कि ऐसे कर्मचारियों को यदि डेली अलाउंस मिलता है तो इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस से एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगा। अब ऐसे कर्मचारियों को एग्जेम्प्शन कितना मिलेगा, तो या तो साल भर में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है उसका 70% या 10,000 रुपये पर मंथ, इन दोनों में से जो कम होगा उतना ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्प्शन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नौकरी करने वाले एम्प्लॉयज को मिलेगा। तो इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट अलाउंस के एग्जेम्प्शन के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।